Hey, what is up guys? It's your host, back with a new video. पर आज यहाँ पर हम बात करेंगे ट्राइडेंट के बारे में। सबसे पहले मैं डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि अगर आपने ये स्टॉक किसी पेड ट्रेनर या कोई भी वीडियो या कोई भी वीडियो देख के अगर आपने इसे बाय कर लिया है तो ये वीडियो मत देखना, आपको काफी ज्यादा शॉक बैठ सकता है। उसके चलते बहुत से लोग बाद में नेगेटिव कमेंट कर देते हैं कि तूने ऐसे कैसे बोला, ऐसे कैसे बोला। जो दिख रहा है वही बोलूंगा। अब मेरा चैनल कंप्लीटली होनेस्टी के ऊपर चलता है। वेल, यहाँ पर ट्राइडेंट के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम इसके प्रॉफिट के ऊपर बात करेंगे। डायरेक्टली मैं आपको चीजें बताऊंगा, फिर इसके बारे में कंप्लीट बात करते हैं। अगर हम इसके प्रॉफिट्स के ऊपर कंप्लीटली देखें तो प्रॉफिट्स आर नॉट एट ऑल कंसिस्टेंट, यानी कभी भी कैसा भी प्रॉफिट होता है। बट एक अच्छी बात है कि एटलीस्ट प्रॉफिट है, एटलीस्ट प्रॉफिट है, कंपनी बिल्कुल भी लॉस में नहीं है, तो ये एक अच्छी बात बन के आ रही है स्टिल। तो आगे बढ़ते हैं। या अगर हम देखा जाए तो सितंबर 19 में और यहाँ पर जून 19 में काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट है, बट बाद में मार्च 20 काफ़ी ज़्यादा कम प्रॉफिट है, क्योंकि यहाँ पर कंसिस्टेंसी बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर अगर जब उन्हें कुछ अच्छा बिजनेस मिलता है तब ये प्रॉफिट कमाते हैं, जब बिजनेस नहीं मिलता है तब ये ठंडा रहता है, यानी मार्केट में इनकी ज़्यादा रीच है नहीं, क्योंकि स्मॉल कंपनी है। ऑब्वियसली ऐसा ही होता है, हम इसके ऊपर इसे जज तो नहीं कर सकते। हर स्मॉल कंपनी का ऐसा ही होता है। आगे अगर हम बात करें तो हम यहाँ पर ओवरऑल ईयर टू ईयर प्रॉफिट के ऊपर बात करेंगे। तो एक बात यहाँ पर अगर हम सामने देखने को मिल रही है कि यहाँ पर मार्च 20 में यहाँ पर इसने काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट दिखाया, यानी काफ़ी अच्छी प्रॉफिट में, सॉरी दिस इज ईपीएस, बट यहाँ पर अगर हम देखा जाए ईपीएस में काफ़ी अच्छी ग्रोथ है अगर हम देखा जाए टोटल इस प्राइस में अगर। हाँ, बट यस, एक थिंग है कि अभी प्राइस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है स्टॉक की, तो ईपीएस भी कम हो जाएगा इन द नेक्स्ट क्वार्टर। तो अभी का ये ईपीएस एक्चुअली में नहीं है, इसका ईपीएस जो अपडेट होगा अभी के करंट प्राइस से वो कुछ अलग आएगा, तो आपको इसमें से थोड़ा गुमराह नहीं होना, क्योंकि यहाँ पर प्राइस बढ़ चुकी है, ईपीएस चेंज हो जाएगा क्योंकि फॉर्मूला है ऑब्वियसली। नेट प्रॉफिट अगर हम देखा जाए तो इस साल कम हुआ है एज कम्पेयर टू मार्च 19। आई गॉट कन्फ्यूज एट फर्स्ट। यहाँ पर वही बोला कि मैं पहले देखा था कि यहाँ पर प्रॉफिट कम था। एनीवेज, अगर हम देखा जाए प्रॉफिट में भी यहाँ पर कंसिस्टेंसी नहीं है, जैसे मैंने पहले कहा बिल्कुल भी कंसिस्टेंसी नहीं है। अगर ईयरली प्रॉफिट में कहे तो अगर मार्च 17 में देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट है, 18 में देखा जाए तो कम हो गया, फिर 19 में वापस बढ़ गया, फिर वापस कम हो गया। सो कंसिस्टेंसी नहीं है पिछले चार टोटल सालों से, बिल्कुल भी यहाँ पर प्रॉपर ग्रोथ नहीं दिखा रहा स्टॉक में। बट ये बढ़त आई क्यों, या अचानक से बढ़त क्यों? बात करेंगे प्रॉफिट्स कम है, सब कम है, फिर भी यहाँ पर बढ़त क्यों? उसके बाद हम शेयर होल्डिंग पैटर्न पे आते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न को आपको ना ध्यान से देखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर उसके ऊपर काफी बातें करनी है हमें। यहाँ पर अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है, जो कि एक पॉजिटिव बात बन के आती है। FIIs और FPIs ने अपनी होल्डिंग कम की है, तो दैट गोज इन न्यूट्रल कॉज, इतनी भी कम नहीं की। टोटल DIIs देखें तो थोड़ी सी होल्डिंग कम की है अपनी, बट दिसंबर 19 के क्वार्टर और जून 19 के क्वार्टर को अगर कंपेयर करें तो यहाँ पर काफी ज्यादा गिरावट देखने को मिल रही है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ने अपनी भी होल्डिंग कम की है, म्यूचुअल फंड्स और इंश्योरेंस कंपनीज की तो होल्डिंग बिल्कुल भी नहीं है। म्यूचुअल फंड्स की पहली थी बट बाद में वापस पूरी कंप्लीटली जीरो कर दी, क्योंकि इसका भी रीजन बताऊंगा। टोटल DIIs देखे तो उन्होंने भी अपनी होल्डिंग कम की है। अदर्स, यानी हम जैसे इन्वेस्टर्स की बात करें तो हम जैसे इन्वेस्टर्स की होल्डिंग बड़ी है, इसका भी पीछे एक रीजन है। सबके ऊपर आएंगे, सबसे पहले सारे डेटा देख लेते हैं। डिलीवरेबल क्वांटिटी, सब इसके बारे में बात करते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर 71.54 है। आप बोलो कि अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें और टोटल डिलीवरेबल क्वांटिटी देखें बस एक दिन का, तो थोड़ा सा फिशी लगता है। जो यहाँ पर सो कॉल्ड टेक्निकल एनालिस्ट होंगे वो कहेंगे कि अरे काफी अच्छा है, बट फंडामेंटल एनालिस्ट और एक्चुअल में जो इकोनॉमिस्ट है वो बोलेंगे कि अरे ऐसे कैसे हो सकता है भाई, हाउ इज दिस पॉसिबल, इतना ज्यादा डिलीवरेबल क्वांटिटी कैसे, बल्कि अदर्स का इतना शेयर है ही नहीं, यानी फिर भी एटलीस्ट डिलीवरेबल कर करके आदमी कितना करेगा, कितने परसेंटेज ऑफ होल्डिंग डिलीवरी करेंगे, फिर कितनी बाइंग और सेलिंग होगी, तो भी इतना कैसे, कुछ तो गड़बड़ है ऐसा बोलेंगे टेक्निकल एनालिस्ट, तो खुश हो जाए, खुशी के मारे नाचने लगेंगे। बट फंडामेंटल और इकोनॉमिस्ट लोग तो यहाँ पर कंफ्यूज हो जाएंगे कि यार ऐसे कैसे हो रहा है। आपको बता दूं, सबसे पहले यहाँ पर अदर्स की होल्डिंग्स क्यों बढ़ी है,
और यहाँ पर इनकी होल्डिंग्स क्यों कम की गई है? एक बात पॉजिटिव है कि प्रमोटर्स की होल्डिंग बढ़ी है, बट बाकी की बात करता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर हुआ क्या है, इसमें थोड़ा सा स्पेक्यूलेशन हो गया है, काफी ज्यादा, थोड़ा सा नहीं, काफी ज्यादा स्पेक्यूलेशन हो गया है, यानी सट्टेबाजों का यहाँ पर काफी ज्यादा मार्केट में घुसना हो गया है। उन्होंने काफी ज्यादा मार्केट में एंट्री कर दिया। आप देख सकते हैं रिटेल इन्वेस्टर है, वो इस स्टॉक को जानते तक नहीं थे, कुछ महीनों पहले उन्हें देखते भी नहीं थे, आज अचानक से इस स्टॉक में दिलचस्पी आ गई है उनके। क्यों? क्योंकि जो पेड ट्रेनर्स है, जो यहाँ पर मार्केट में रिटेल ट्रेडर्स को आगाह करते हैं कि हाँ ये स्टॉक बाय करो, ये स्टॉक बाय करो, वो स्कीम होती है ना जो रिटेल इन्वेस्टर्स को बाय कराओ, फिर प्रमोटर से बाय कराओ, स्टॉक की प्राइस ऊपर लेके जाओ, फिर बाद में रिटेल इन्वेस्टर्स काफी ज्यादा क्वांटिटी में उसे बाय कर लेते हैं, फिर प्रमोटर्स और जो ऑपरेटर्स होते हैं वो उसे बाद में सेलिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, और सारा प्रमोटर्स, सारा जो रिटेल इन्वेस्टर का पैसा लगा हुआ होता है वो जाता है कंप्लीटली ऑपरेटर्स और प्रमोटर्स के जेब में, डायरेक्टली जाता है ऑपरेटर्स और प्रमोटर्स के जेब में। क्यों, कैसे? ये है एक तरीका यहाँ पर प्रमोटर्स और ऑपरेटर्स का पैसे कमाने का। अनवांटेड स्टॉक्स को पहले ऊपर ऊपर लेके जाओ, उनकी आप अगर फंडामेंटल्स देखोगे तो इसमें कुछ ज्यादा बदलाव है नहीं, कुछ दो तीन न्यूज आई है मार्केट में, इसका बिजनेस आ गया, उसका बिजनेस आ गया, वो तो पहले भी आता था, वो तो इस टाइम भी आता था, ये जब गिरावट हो रही थी, आई विल सजेस्ट, ये जब यहाँ पर ऐसे चल रहा था इस टाइम भी आ रहा था, वो न्यूज इस टाइम भी आ रहे थे। अभी क्यों ये चीज हमें देखने को मिल रही है, अभी ही अचानक से इसमें इतनी सारी डिलीवरी भी क्यों होने लगी? अगर आप देखिए यहाँ पर तो बीच बीच में ऐसे स्पाइक्स इसके आते रहते हैं, बीच बीच में इसके ऐसे स्पाइक्स आते रहते हैं, जैसे अभी आया है, आते रहते हैं, इसका होता है, इसका चालू रहता है। इसमें जो प्रमोटर्स होते हैं और जो ऑपरेटर्स होते हैं वो ऐसे ऐसे स्टॉक्स में यहाँ पर मैनिपुलेशन करते रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो सेबी के हाथ से बच जाते हैं ऐसे स्टॉक्स में। अगर कोई ये चीज रिलायंस एचडीएफसी में करे तो उनसे नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसमें काफी ज्यादा कैपिटल की जरूरत है और सेबी भी उन स्टॉक्स के ऊपर काफी ज्यादा नजर रखती है, बट ऐसे स्टॉक्स में काफी ज्यादा उन्हें ये चीज करने को मिलती है, इसलिए वो लोग करते हैं। और जो हमारे रिटेल इन्वेस्टर होते हैं वो फंस जाते हैं और अपना सारा पैसा ऑपरेटर्स के जेब में लाके फेंक के आते हैं। क्या करते हैं? उनके जेब में जाके फेंक के आते हैं। ऐसे ही बात होती है। ये स्टॉक इन्वेस्टेबल के हमें, आई डोंट वांट टू यूज द वर्ड, बट इन्वेस्टेबल की वर्थ का नहीं है ये स्टॉक, बस सट्टेबाजी का है। ऊपर जाओ तो सेल कर दो, नीचे जाए तो बाय कर दो, ऊपर जाओ तो सेल कर दो, नीचे जाए तो बाय कर दो, ऐसा वाला स्टॉक है। इसलिए यहाँ पर इस स्टॉक में कंप्लीटली स्पेकुलेशन चालू रहता है। अगर आप इसमें डिलीवरेबल क्वांटिटी देखोगे तो पूरे एक वीक, मोर देन अ वीक की क्वांटिटी, जब भी ये, जब से ये बढ़त आई है उसमें से आप देखोगे यहाँ पर वॉल्यूम क्या हो रहा है, क्या वॉल्यूम के साथ ट्रेड करा है, वापस कम वॉल्यूम पे आ गया। अभी स्टिल इट्स 70%। अब 70% जब किसी स्टॉक में डिलीवरी होती है, लोग बोलेंगे अरे ये ऊपर जाएगा, अरे ये तो बारिश हो जाएगी पैसों की, तो ऐसा नहीं होता। इसका मतलब समझ जाओ कि ऑपरेटर्स अपना गेम चालू कर चुके हैं, ऑपरेटर्स यहाँ पर खेलना चालू कर चुके हैं, ऑपरेटर्स आपके पैसे के साथ खेल रहे हैं, ऑपरेटर्स स्टॉक के साथ खेल रहे हैं, स्टॉक को मैनिपुलेट करना चालू कर चुके हैं। क्योंकि एक रिटेल इन्वेस्टर स्टॉक में 70% ऑफ डिलीवरेबल क्वांटिटी जिंदगी में कभी नहीं कर सकता। सारे रिटेल इन्वेस्टर्स ऑफ इंडिया भी अगर आ जाए ना तो भी नहीं कर सकते। बट ये पॉसिबल तभी हो सकता है जब एक ग्रुप, कोई ग्रुप टू ग्रुप अगर जब एक साथ बाय करे और ग्रुप टू एक साथ डंप करे, तब ये चीज हो सकती है। जब पंपिंग एंड डंपिंग ऑफ शेयर्स होती है तब ये चीज हमें देखने को मिलती है, और जो इन्वेस्टर्स या जो रिटेल ट्रेडर्स यहाँ पर मार्केट में नए होते हैं उन्हें बेवकूफ बनाया जाता है कि मार्केट में अरे ये देखो ऐसा हो रहा है, अरे देखो ऐसा हो रहा है, आप बाई कर लो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो, वो फंस जाते हैं। और बाद में जब सब प्रॉफिट बुकिंग करता है, जब ये बड़े बड़े ऑपरेटर्स और प्रमोटर्स अपना पैसा निकाल लेता है, तब इन ये लोग रोते बैठते लिटरली। ये चीज मार्केट में होती है, पहले भी होती थी, अभी भी होती है, और जब तक फ्यूचर में बेवकूफ लोग रहेंगे होती रहेगी। आपको इसमें नहीं फंसना। मैं इस स्टॉक को ना बाय करने बोलूंगा ना सेल करने बोलूंगा। ये स्टॉक अगर 100 रुपीज भी कल चला जाए ना तो भी आपको कोई भी माइंड नहीं करना। आपका प्रॉफिट चला गया चलेगा, दूसरे स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हो वहां से प्रॉफिट कमाओ, बट रिस्की ऐसे सट्टेबाजी वाले स्टॉक में से ना आपको बिल्कुल भी रिकमेंडेशन नहीं दूंगा। बाय भी मत करो, सेल भी मत करो।
अब बोलोगे लोग कि हाँ तुम हमसे सेल करवाओगे फिर बाद में ऊपर जाएगा, मैं तो सेल करने भी नहीं बोल रहा, मैं तो कह रहा हूं कि स्टॉक से दूर रहो। क्यों? क्योंकि ये स्टॉक कंप्लीट स्पेक्युलेटिंग स्टॉक है, कंप्लीट स्पेक्युलेटिंग स्टॉक है। कल स्टॉक अगर 1000 भी चले जाए ना तो भी आपको बुरा नहीं लगना चाहिए कि मेरा, अरे मेरा तो लॉस निकल गया, तुमने ऐसा क्यों बोला रोहित, मेरा तो लॉस निकल गया, मैं तो बाय करने वाला था, कल गिर गया तो क्या करोगे, कल गिर गया तो क्या करोगे, क्योंकि इसमें फंडामेंटल्स नहीं दिख रहे, प्रॉपर ग्रोथ नहीं दिख रही। हाँ कुछ दो तीन न्यूज आए, वो तो पहले भी आती थी, तब ऐसा क्यों नहीं हुआ। वेल फिलहाल आज के बस इतना, वीडियो पसंद लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा।